हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सी ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोतरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर न्यू चैप्टर कॉल्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, हियर वी हैव सम इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द कंट्री एज वेल एज अवर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, अवर होल लाइफ इज डिपेंड ऑन द प्लांट्स। देखो, हियर वी बेसिक नीड्स आर द, हमारी बेसिक नीड्स क्या है, फूड, क्लोथ एंड होम। दीज आर द बेसिक नीड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ। जो भी हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इस अर्थ पे, वो सब किसके ऊपर डिपेंड है, इस थ्री कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है, फूड, क्लोथ एंड होम। ठीक है, रोटी, कपड़ा एंड मकान, इन तीनों के ऊपर ये डिपेंड है। अब इन तीनों से ये हमें कहाँ से मिलते हैं, दे हैव ओनली वन सोर्स। क्या है इन सब का, वन सोर्स है। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ द फूड, वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ द क्लॉथ, वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ द होम डिजाइंस, ऑल आर डिपेंड ऑन द वन सोर्स, दैट इज द प्लांट्स। फूड, ग्रेन्स, वीट एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ द फूड सेटिस्फाइड द फूड कॉम्पोनेंट। देन क्लोथ, फाइबर्स, फाइबर्स आर ऑल्सो गेट फ्रॉम द प्लांट्स, फाइबर्स, फाइबर्स आर ऑल्सो गेट फ्रॉम द प्लांट्स। सो क्लोथ इज ऑल्सो ए हैव द सोर्स ऑफ द प्लांट्स। देन वी हैव द होम, फॉर द होम वी रिक्वायर्ड वुड और टिम्बर, टिम्बर गेट फ्रॉम द प्लांट्स। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी बेसिक नीड है वो क्या है, फूड, क्लोथ, दीज आर दी थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ दी लाइफ, फूड, क्लोथ एंड होम। एंड सिमिलरली फॉर दी एनिमल्स आल्सो, वी हैव एनिमल्स लाइक हनीबी, हनीबी एंड सिल्क वॉर्म, दे आर आल्सो प्रोड्यूस दी फॉर दी कमर्शियल पर्पज आल्सो। हनीबी प्रोड्यूस दी हनी एंड सिल्क वॉर्म आर यूज फॉर दी क्लॉथ आल्सो। ठीक है, सो प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी लाइफ ऑन अर्थ। सो फूड प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट। इन फूड प्लांट्स वी हैव ग्रेन, पल्सेस, ऑयल एंड स्पाइसेज। इन मेडिसिनल प्लांट्स वी हैव अश्वगंधा, ओपियम, वाइट मूसली। एंड इन टिम्बर एंड फाइबर रिलेटेड प्लांट, रोजवुड, सागवान एंड रोहिडा। ठीक है, रोहिडा, राजस्थान में रोहिडा इज ए फेमस, राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष है वो कौन है, रोहिडा। सो दीज आर दी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दी लाइफ। नाउ देर इज ए टर्म इकोनॉमिक बोटनी। व्हाट इज द इकोनॉमिक बोटनी, इकोनॉमिक बोटनी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट। प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट का इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है वो कहलाता है इकोनॉमिक बोटनी। स्टडी ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट इज इकोनॉमिक बोटनी। ठीक है, ये आपका वर्ड है जो कभी कभी एग्जाम में टर्म्स के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मे बी क्वेश्चन में अराइजेस। ठीक है, स्टडी ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बोटनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक बोटनी। अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक बोटनी स्टार्ट करेंगे, मीन्स इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स। प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट के बारे में इसका इकोनॉमिक पॉइंट्स क्या है वो हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फूड प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे, देन वी गो फॉर मेडिसिनल, देन टिम्बर एंड दी फाइबरवुड प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फूड प्लांट्स, लेट्स स्टार्ट विद दी इकोनॉमिक बोटनी। ठीक है, इनके फूड के प्रोडक्ट्स और इनके इंपॉर्टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। टॉपिक है प्लांट्स इंपॉर्टेंस विद फूड पॉइंट ऑफ व्यू। जो हमारा प्लांट्स का इंपॉर्टेंट है इसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू थे, फर्स्ट वन इज दी फूड, सेकेंड वन इज दी होम एंड थर्ड वन इज दी क्लॉथ। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी फूड पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट्स का इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हियर इज दी प्लांट्स, इट हैव थ्री पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट वन इज दी फूड, सेकेंड इज दी क्लॉथ, थर्ड इज दी होम। ठीक है, और मेडिसिनल आल्सो, जो मेडिसिनल है वो भी आपकी सब कैटेगराइज हो जाएगी इसी के अंदर। सो
इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स एज पर द फूड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स के क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन है हमारा सीरियल्स. जो सीरियल्स क्रॉप्स होती है देर आर दी न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप, प्रोटीन रिच क्रॉप होती है, ठीक है. एक होती है हमारी पल्सेस, पल्सेस आर दी विटामिन रिच क्रॉप्स, ठीक है. सो सीरियल्स क्रॉप है वो हमारी मेजरली इनका खूब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक और फूड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स का, ठीक है. सीरियल्स क्रॉप फर्स्ट वन है वीट. वीट इज ए खरीफ क्रॉप, ठीक है. वीट क्या है हमारी, खरीफ है या रबी है? इट इज खरीफ और रबी. सोचिए थोड़ा, खरीफ है या रबी है? इट इज दी रबी क्रॉप्स. वीट क्या है? रबी क्रॉप्स है. तो इसके वेराइटीज कौन कौन सी है? अब वीट में भी क्या आता है हमारे, डिफरेंट वेराइटीज आती है. इनके ब्रांड के अलग अलग नाम है. जैसे सोनालिका, सोनालिका का वीट है वो अलग आता है. देखो इसके तो आप ये फेमिलियर नहीं होंगे, बट राइस, बासमती राइस यू हैव ऑलरेडी हर्ड. बासमती राइस के बारे में आपने सुना होगा. तो बासमती राइस है तो वो राइस ही, बट उसकी वेराइटी जो है वो क्या है, बासमती है, ठीक है. उसकी जो पहचान है वो किससे है, बासमती से. बासमती राइस आर दी वेरी फेमस, और हमारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी सबसे ज़्यादा आता है वो बासमती राइस का आता है, ठीक है. बासमती है वो इसकी वेराइटी है. जिस तरह राइस की बासमती वेराइटी होती है वैसे ही सोनालिका, कल्याण, गोल्डन एक्सेट्रा आर दी वेराइटीज ऑफ दी वीट, ठीक है. ये वीट की वेराइटीज है. नाउ वी हैव राइस. राइस इज ए खरीफ क्रॉप. ये क्या है हमारी, खरीफ क्रॉप है. एंड वराइटीज ऑफ द राइस आर दी बासमती, रत्ना एंड सोना. रत्ना सोना आर नॉट एज मच दी पॉपुलर एज बासमती इज, ठीक है. बासमती जितना पॉपुलर है उतना रत्ना और सोना पॉपुलर नहीं है. ये है बट ये रीजनल पॉपुलर है, बट इट इज पॉपुलर इन दी होल ओवर नेशन, ठीक है. ये तो हो गया हमारा राइस. देन वी हैव दी मेज. मेज इज ऑल्सो दी खरीफ क्रॉप. ये भी क्या है हमारी, खरीफ क्रॉप है. एंड इट्स वेराइटीज आर दी विजय, शक्ति एंड रतन. हियर इज दी रत्ना एंड हियर इज दी रतन. सो डोंट कन्फ्यूज दिस बोथ दी वर्ड्स. दिस इज दी रत्ना एंड रतन, ठीक है. हमारे एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन अराइजेज होते हैं कि वॉट आर द वेराइटीज ऑफ दी राइस, वॉट आर दी वेराइटीज ऑफ दी मेज है. और MCQs जो हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये पूछ लेते हैं कि हु इज दी फॉलोइंग इज वेराइटीज ऑफ द राइस. जैसे इसने पूछ लिया कि जो हमें नीचे ऑप्शन में गिवन है उसमें से राइस की वेराइटीज कौन कौन सी है. ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया. ए दे दिया सोनालिका, बी दे दिया रतन, थर्ड दे दिया रत्ना, और फोर्थ दे दिया कल्याण, कल्याण गोल्ड. अब ये राइस की वेराइटीज कौन सी है, एमसीक्यू में पूछ लिया हमसे. ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दिए. फर्स्ट वन ये थी सोनालिका, सोनालिका इज ए वेराइटी ऑफ वीट. रत्ना एंड रतन, रतन इज ए वेराइटी ऑफ मेज. कल्याण गोल्ड इज वेराइटी ऑफ वीट. रत्ना, रत्ना इज ए वेराइटी ऑफ किसकी, राइस की. सो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट. इस टाइप से भी क्वेश्चन है वो अराइज हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है. सो राइज है बासमती, रत्ना एंड सोना. मेज, मेज इज दी विजय, शक्ति एंड रतन, ठीक है. देन वी हैव दी पर्ल मीट. पर्ल मीट आर आल्सो दी सीरियल्स क्रॉप. ये भी हमारी क्या है, सीरियल्स क्रॉप है. विच इज दी हैव वेरी इंपॉर्टेंस एज पर दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फूड प्लांट्स के व्यू में. सो दीज आर दी प्लांट्स. ये थी होगी हमारी सीरियल्स क्रॉप्स. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी पल्सेस. पल्सेस में जो हमारी आएगी, वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ द दाल. जो दाल है वो भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी इंपॉर्टेंस ऑफ दी पल्सेस, ठीक है, जो हमारा फूड के कैटेगरी में आता है. सो दिस इज हाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स का भी रोल है हमारे लाइफ में और एनिमल्स का भी रोल है. एनिमल में जैसे हम हनी बी की बात करें तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है. एंड इन प्लांट्स वी हैव ए कैश क्रॉप्स आल्सो, ठीक है, जो कि कमर्शियली हमें बेनिफिशियल करती है. जैसे प्लांट्स में हम अगर फ्रूट्स की बात करें, ये फ्रूट्स की बात करें तो सारे फ्रूट्स जो प्लांट्स हैं वो क्या है, कमर्शियल क्रॉप है. जैसे हमें शुगर कैन हो गया, शुगर कैन क्या है, कमर्शियल क्रॉप है. सो वी हैव कमर्शियल क्रॉप आल्सो. इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी पल्सेज एंड द कमर्शियल क्रॉप आल्सो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.